हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस वक्त मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर का रुख करें, यह खबर निकल के आ रही है श्रीलंका प्रीमियर लीग के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि श्रीलंका प्रीमियर लीग फिर से पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि श्रीलंका प्रीमियर लीग जो 21 नवंबर से शुरू होने वाली थी वो फिर से पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि जो श्रीलंका का हेल्थ मिनिस्ट्री का जो क्वारंटीन सिस्टम है 14 दिन का क्वारंटीन सिस्टम है। नवंबर में भी 14 दिन का क्वारंटीन है, इसलिए कुछ खिलाड़ियों ने विड्रॉ भी किया है। इसलिए अब श्रीलंका प्रीमियर लीग फिर से पोस्टपोन हो सकती है, और उसको श्रीलंका प्रीमियर लीग को श्रीलंका से हटाकर किसी और मुल्क में लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो 21 नवंबर से जो शुरू होगी लंकन प्रीमियर लीग, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, ये खबर निकल के आ रही है सौरभ गंगोली के हवाले से निकल के आ रही है। सौरभ गंगोली ने कहा है कि रोहित शर्मा और ईशान शर्मा की फिटनेस पर नज़र रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कि रोहित शर्मा और ईशान शर्मा अगर फिटनेस में पास हो जाते हैं तो वो उनको किसी भी वक्त इंडियन टीम में शामिल किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, ये BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गंगोली के हवाले से खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, ये खबर निकल के आ रही है KR राहुल के हवाले से। KR राहुल ने कहा है कि इस साल हमारी टीम बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, और अगले साल हम इससे अच्छी टीम लाएंगे, यानी इससे अच्छी 2021 में IPL 2021 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इससे स्ट्रांग मतलब शामिल होगी। क्योंकि KR राहुल का कहना है कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी लेकिन हम फिर भी नहीं जीते, लेकिन अगले साल हम इससे अच्छी टीम मैदान में उतारेंगे। ये कहना है KR राहुल का, जो किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान है। और अगली खबर का रुख करें, ये खबर निकल के आ रही है शहबाज अहमद के हवाले से निकल के आ रही है। शहबाज अहमद का कहना है कि जो उन्हें शिखर धवन को कल आउट किया था उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे शिखर धवन को आउट करने का शौक़ पहले से ही था, मैं बहुत ही स्पेशल मेरे लिए रहा कि मैंने शिखर धवन को आउट किया है। ये कहना है शहबाज अहमद का, जो RCB के तरफ से कल के मैच में खेले थे और उन्हें 2 विकेट भी लिए थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।